News 18, India. अब बड़ी खबर अंबाला से आ रही है। यहां किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर एक मॉक ड्रिल की है। पंजाब से हरियाणा में दाखिल होने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इसके लिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तो ये तैयारी की गई है। जिस तरह से कल किसानों का आंदोलन है और इसी रास्ते से वो कूच करेंगे, तो उनको रोकने के लिए किस तरह से मॉक ड्रिल की गई है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो पहुंचे हैं और आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए, और ये सब तैयारियां कल के आंदोलन को देखते हुए की गई है। हम कैसे आपको बता रहे हैं कि तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली से आसपास सटे हुए, उसके अलावा अंबाला में हरियाणा पुलिस ने ये मॉक ड्रिल किया है। और किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। दिल्ली के ही औचंदी बॉर्डर पर भी 144 धारा लगाई गई है। दोनों ही बॉर्डर दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं। उधर चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की अहम बैठक होनी है। पहली बैठक में किसान नेताओं के सामने सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। सरकार की ओर से कहा गया था कि एक बैठक इसके बाद और होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई। उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आने जाने वालों पर एक तरह से निगाह रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए से भी निगाह रखी जा रही है। हालांकि आज दफ्तर जाने वालों को ऐसे में खासी दिक्कत पेश आ सकती है। ऑल्टरनेटिव रूट जो है उसका इंतजाम करना होगा अपनी तरफ से। अब देखिए करनाल हरियाणा NH 44 पर किस तरह से वहाँ पर पुलिस की तैनाती है। टोहना हरियाणा अंबाला में हमने आपको दिखाया, मॉक ड्रिल भी की गई। उसके अलावा ट्यूकर बॉर्डर और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और औचंदी बॉर्डर, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। और आप देखिए कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की वैन्स लगा दी गई हैं और जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो उसके भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कल चूंकि किसानों ने यह आंदोलन बुलाया है उसको देखते हुए आज पूरी तरह से इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। और कुछ जगहों पर हमने आपको दिखाया मॉक ड्रिल भी की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस वक्त तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर दी गई है। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका कांडपाल और प्रशांत चुरे गाजीपुर बॉर्डर में हैं। उसके अलावा सिंघू बॉर्डर की हम बात करें तो जावेद मसूरी हमारे साथ हैं। उसके अलावा लवीना राज भी हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए पंकज, मैं तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की लगातार दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि RAF की तैनाती हो गई है। तमाम RAF के जो जवान हैं वो आपको मुस्तैद नजर आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ, हाथों में राइफल है, हेलमेट्स हैं और इनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हो चुका है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर है, उसके साथ रैपिड एक्शन फोर्सेस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बैरिकेड करके इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ठीक इन जवानों के पीछे अगर आप देखेंगे सीमेंट के बैरिकेड है, उसके बाद नॉर्मल बैरिकेडिंग है और उसके बाद दो दो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़े करके इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। ये RAF के जवानों की तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैद चौकस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये एक तरफ जो गाजियाबाद की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देखेंगे तो थोड़ा जूम करने में आप देख पाएंगे कि उस तरफ इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के जो तमाम अफसर है, जो जवान है वो तैनात है। और जिन सीमेंट बैरिकेडिंग की हम बात कर रहे हैं इनको एक्स्ट्रा भी रखा गया है, ये सीमेंट बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा भी रखी गई है कि जरूरत बिल्कुल क्रेन की मदद से सब सहयोगियों से बात कर लूं। प्रियंका, वापस आपके पास लौटूंगा। जावेद, आप बताइए सिंघू बॉर्डर ये वो जगह है जहां पिछले किसान आंदोलन में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, आज वहां पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा? देखिए पुलिस के बंदोबस्त सिंघू बॉर्डर पर बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक और दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कंटेनर जो लगे हैं, कंटेनर के पास में मिट्टी डाली गई है और जो सोनीपत से दिल्ली आने वाली जो एक लेन है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, बंद कर दिया गया है। इस पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। आप अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, कितनी लेयर बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आप देखेंगे तो लोहे के बैरिकेड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक उसके ऊपर कटीले तार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। निज़ाम अंसारी आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहीं तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें सीमेंट के ब्लॉक भी आगे नज़र आएंगे। थोड़ा सा अगर आगे चलने की कोशिश करें, अभी चूँकि जो सोनीपत से दिल्ली आने वाली ये लेन है इसको बंद किया गया है और ये जो एक छोटा पैसेज है जहाँ हम खड़े हैं ये सिर्फ पैदल लोगों के लिए आने जाने के लिए अभी खुला है, लेकिन ये भी बंद हो जाएगा।
यहाँ देखिए किस तरह की स्थिति बन गई है। कुछ लोग यहाँ साइकिल निकाल रहे हैं और पैदल ही यहाँ से। आप हमेशा ही ऐसे जाते हैं क्या यहाँ से? नहीं, आज ही जा रहे हैं ऐसे। तो दिक्कत हो रही है, कहाँ जा रहे हैं? दिक्कत हो रही है, ड्यूटी पे जा रहे हैं। देखिए ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? पैदल ही आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो यही कुंडली गाँव से। हमेशा आना जाना पैदल ही करते हैं? हमेशा ही क्या है। अच्छा, हमेशा का ही है। देखिए ये लोग यहाँ आ जा रहे हैं, एक तस्वीर ये देख लीजिए जरा, जो सीमेंट के ब्लॉक हैं वो यहाँ पर किस तरह से रखे हुए हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती पिछली बार किसानों ने पुलिस के सामने खड़ी की थी और उसी के मद्देनज़र अब तैयारियाँ भी यहाँ पर वो बड़ी तैयारी चल रही है। आप देखिए ये बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर रखे गए हैं, कटीले तार हैं। और एक और तस्वीर इसको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। ये एक लेन है जिसको बंद किया गया है, लेकिन अभी अगर आप चंडीगढ़ या करनाल से दिल्ली में आते हैं और जो मेन हाईवे की सड़क है वो अभी खुली हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, लेकिन इसको भी बंद किया जाएगा, उसकी भी पूरी तैयारी है। जो बॉर्डर से फ्लाईओवर चढ़ता है आप देखेंगे, उस पर भी जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं वो रखे हैं, क्रेन लगी है, बैरिकेड्स यहाँ पर हैं। अभी ये खुला ज़रूर है, लेकिन कल 13 फरवरी जो किसानों का ऐलान है, अगर किसान आगे बढ़ते हैं और उसको स्थिति को देखते हुए इसको भी बंद किया जाएगा। जैसे गाजीपुर में हमने देखा कि वहाँ एक सड़क बंद की गई है, यहाँ एक लेन बंद की गई है, लेकिन जो हाईवे अभी खुला है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स यहाँ पर रखे। यानी जावेद कल भारी दिक्कत होने वाली है, चंडीगढ़ से दिल्ली जो ट्रैफिक आएगा और दिल्ली से चंडीगढ़ जो जाएगा, यानी उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीर अभी आप देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल मैं बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। यहाँ पर देखिए क्रेन खड़ी है और ये तस्वीर निज़ाम अंसारी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी सीमेंट के जो ब्लॉक हैं वो रखे हैं, जो लोहे के बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस अमूमन इस्तेमाल करती है वो नज़र आ रही है। देखिए क्रेन से आप एक तस्वीर देखिए, कंटेनर अब रखे जा रहे हैं, एक और कंटेनर रखा जा रहा है। आप अगर देखेंगे थोड़ा जूम करके निज़ाम आपको दिखाएंगे, ये देखिए किस तरीके से जो कंटेनर है, इधर 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 दिखाएं, ये देखिए ये कंटेनर आप देखिए किस तरीके से पूरी तरह से इस सड़क को अब बंद बिल्कुल कर दिया। तो पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, जावेद हमें बता रहे हैं। प्रशांत आप इस वक्त कहां हैं, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? पंकज देखिए जावेद जहां पर है सिंघू बॉर्डर, वहां हरियाणा और पंजाब का रास्ता है, बॉर्डर है दिल्ली में दाखिल होने का, जिस पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन मैं इस वक्त दिल्ली के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं जहां पर एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की तरफ से। मेरे सहयोगी अनिल दिखाएंगे कि ये एक लंबा ट्रैफिक जाम भी हमारे सामने हम देख सक रहे हैं, क्योंकि मेरठ हापुड़ से आता हुआ ये रास्ता दिल्ली में दाखिल होता है और अब यहां से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये रास्ता सीधे नीचे उतरता हुआ इस राजमार्ग से दिल्ली में दाखिल होता था, मयूर विहार फेज 3 और गाजीपुर मंडी के पास से, लेकिन यहां अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब देखिए लेफ्ट से ये रूट डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ एक जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर लगा दी गई है और ये बैरिकेडिंग, ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये मुर्गा और मछली मंडी और गाजीपुर की तरफ जाने वाला दिल्ली जाने वाला रास्ता, और ये अब पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है। खास बात ये है कि पिछली बार किसानों का जो आंदोलन था, कुछ और मांगे थी उसमें, जिसे सरकार ने वापस भी लिया जो नए कानून को लेकर, लेकिन इस बार उनकी कुछ और अलग मांगे और एहतियातन ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कदम। और 13 तारीख यानी कल का दिन है जब किसान ये आंदोलन करने वाले हैं, उसके मद्देनजर आज सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील करा जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लवीना राज मेरी एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। लवीना, स्कूल जाने का वक्त है, दफ्तर जाने का वक्त है, ऐसे में खासी मुश्किल पेश आ रही होगी लोगों को भी, आम लोगों को भी। आप कहां पर हैं, क्या दिखा पाएंगे आप? पंकज सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाऊंगी सिंघू बॉर्डर के दूसरी तरफ की तस्वीर, मेरे सहयोगी जावेद आपको दिखा रहे थे, अब जरा आप ये देख लीजिए, जहां तक इस वक्त मेरी नजर जा पा रही है वहां तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ तैयारी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आप देखिए कैंप्स भी यहां पर लग चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये सिंघू बॉर्डर है जहां से हरियाणा और उसके बाद आप देखिए जो पंजाब जो रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से, ये वही दाखिल होने की जगह है। आप एक के बाद एक जो गाड़ियां आते हुए देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीनियर
ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं। ब्रीफिंग बाकायदा होगी। जय, मेरे सहयोगी जय आपको उस तरफ की तस्वीर दिखाएंगे, वो भी जरा आप दिखाइए। पंकज, आप इस तस्वीर को देखिए। मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये दिखा देना चाहती हूँ कि ये एक तस्वीर है, लेकिन ऐसी ही तैयारी आपको अभी उन तमाम बॉर्डर्स पर दिखाई देगी जहां अब ये तस्वीर आप देखिए, कैंप्स यहाँ पर बाकायदा लगाए गए हैं। यहीं से क्योंकि ये रणनीति बनाई जा रही है कि एक बार फिर से 2.0 किसान आंदोलन अगर करने की तैयारी में है तो फिर उस स्थिति से कैसे पहले से ही निपट लिया जाए। आप जैसा आपने जिक्र किया कि लोगों को परेशानी हो रही है, ये रास्ता भी अब से कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा, ये भी आप तय मानिए। यही जानकारी है कि ये जो पूरी लेन है इसे अभी फिलहाल के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, न सिर्फ पुलिस है, बल्कि ड्रोन से भी यहाँ पर कैसे निगरानी रखी जाए, उन लोगों को यहाँ पर पहचाना जाए जो किसी भी रूप में इस आंदोलन को, क्योंकि मैं आपको बता दूं किसान आंदोलन जब भी हुआ है हमेशा असामाजिक तत्व इसमें शामिल ना हो जाए, माहौल ना बिगड़ जाए, इसका खतरा बिल्कुल उनसे निपटना भी एक बड़ा चैलेंज, बड़ा चुनौती होगा सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लवीना राज, आप हमारे साथ जुड़ी, जावेद, प्रियंका कांडपाल और साथ ही साथ प्रशांत चुरे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में अब निपटना एक बड़ा चैलेंज है किसानों से, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने 15 डिस्ट्रिक्ट्स में धारा 144 लगाई है, चंडीगढ़ में भी धारा 144 लगाई गई है, जबकि दिल्ली के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और सिंगू बॉर्डर साथ ही साथ टीकरी बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। तो आपको बता दें ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने बाकायदा कैंपिंग किया हुआ है। जितने भी आसपास के बॉर्डर्स हैं वहां पर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट वहां ना हो उससे निपटने की तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और ऐसे में चूंकि दफ्तर जाने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो अभी फिलहाल उसके भी इंतजाम किए गए हैं और उन्हें निकलने की अभी इजाज़त है। आम लोगों को दिक्कत ना हो उससे भी, उसके लिए भी बाकायदा इंतजाम जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं।